मार्केट का हियर 1874 कितना नजर आ रहा है जी? ये 1884 आ 1884 के बीच ब्रिटिश गवर्नर इतने आए तो उन्होंने अपने तरीके दे नाल इहदा मेंटेन किया और उस तरीके अपने ग्रुप के नाल बैठे हुए आपकी जॉइंट में तो 1959 में इधर पब्लिसिटी काफी हुआ तो उस टाइम में देख सकते हैं कि लोकल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ आए और यहाँ पर ताजमहल में व्यू करते हुए देखते हुए आओ जी। नाउ ताजमहल का व्यू इस तरीके का दिखता है जी। हम इतने भी आ जाओ जी। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग होने के नाल ये काफ़ी प्रॉब्लम भी आनी है। तो प्रॉब्लम टाइमिंग होने की जनरेशन के बंदे जुड़े हैं आज भी काम करते हैं और ताजमहल का मेंटेनेंस लगातार चलता रहता है। इस तरीके की जनरेशन यहाँ पर काम करती रहती है। ताजमहल में दो तरीके के मार्बल का यूज किया हुआ है। नंबर वन स्टोन द सैड स्टोन, ये बलुआ पत्थर है, एक काफी हार्ड मार्बल बट द चीफ मार्बल। सेकंड मार्बल आना है जी व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल मकराना जो कि राजस्थान नागौर से यहाँ मंगाया गया। उस टाइमिंग कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था, एलिफेंट राइड एलिफेंट की गाड़ी बनाकर उसका हजारों हाथियों का काफिला 35 से 40 दिन में राजस्थान से आगरा आता था और मार्बल को लेकर यहाँ लेके आते थे और ताजमहल बना। ताजमहल के अंदर दो तरीके से वर्किंग का यूज किया हुआ है। नंबर वन वर्क द कार्विंग, सेकंड वर्क द इंग्रेव। ये कार्विंग वर्क नॉट अ पैच, मार्बल के अंदर सभी हथौड़े से बड़ा बड़ा खोद कर इस मार्बल के अंदर जो प्रॉपर बनाए गए हैं। ये स्टोन्स वर्क है, ये स्टोन सेमी पेसी जैम्स परसेंट स्टोन है जो कि ताजमहल में लगाए गए हैं। ये रियल स्टोन से बनाने वाले कारीगर 35 ईयर्स 40 ईयर्स की एज में आई साइट और नेल्स पर चले जाते थे। इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, ऑल वर्क द हैंड मेड, नो एनी मशीनरी। सामने है आगरा का राय फाउंडेशन है, ये है फतेहपुर सीकरी एंड रामबाग। पूरे 11 मिलूगा, 11 इधर साइड से 11 ओपा से, देखो टोटल 22। अभी भी कह सकते हैं 22 साल लगे से ताजमहल बनने के।
ये फोर कलर सीधे नहीं खड़े हुए हैं, नॉट स्ट्रेट, ये स्लाइटली सबसे खब्बे हैं। तुसी देखो जी सी इन योर आई कहने जो टाइम जो कारीगर से वो सोचा कि वाई दे एनी लोंग टाइमिंग अगर इन सीधा कर दे तो कोई प्रॉब्लम आऊगी तो वो टाइमिंग ये बिल्डिंग के कुछ गिर सकती है। नाउ एनी प्रॉब्लम वो टाइमिंग ये बिल्डिंग अपोजिट साइड गिरूगी ये पिलर ये बिल्डिंग सेफ रहनी है। तो इंजीनियरिंग इज वेरी हार्ड। 1631 ताजमहल स्टार्ट किया गया तो 1653 ये बन के कंप्लीट किया गया सी। तो 16 गार्डन अंदर बने हुए हैं जी, ये 16 गार्डन बने हुए हैं। 31 अंदर का एरिया बना हुआ है जी। 53 एक फाउंटेन बने हुए हैं जी। 22 साल लग गया तो 22 डॉम बने हुए हैं जी। ये सारी चीज़ें खूबे हैं। ये इंजीनियरिंग का वो आर्ट है कि उस टाइम का बना हुआ कि आज के टाइम ये बन नहीं सकता। ऊपर जा सकते हैं, उत्थे जड़े जड़े जगह जाने चाहते उ जा सकते हैं जी। ये ताजमहल की सबसे बड़ी खूबी है, ये ताजमहल एवरी टाइम शेड अलग देना है जी। ये भी कोई भी लाइटिंग नहीं की हुई है, लाइटिंग ताजमहल की नेचुरल लाइटिंग होनी है। सुबह तो अलग दिखता, दोपहर में अलग दिखता, शाम को अलग, रात को अलग दिखता है। ताजमहल के लगे हुए स्टोन जिन्हें भी कोई भी पेंटिंग नहीं की हुई है, सारा स्टोन का वर्क है, सेमी पीसी जैम परजन स्टोन, मैलाकाइट, कोरला, जैस्पियर, ब्लैक ऑनिक्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टली स्टोन इतने पाया हुआ है जी। ये सारा मार्बल है, सारा वाइट मार्बल मकरान का। यानी जन्नत का नजारा, क्योंकि जितने मुगल हैं वो मुगल बाग बगीचे बनाने के शौकीन होते हैं। आज भी देखो ये बाग 16 गार्डन बने हुए हैं, 8 गार्डन ए साइड, 8 गार्डन ये 16 गार्डन का पूरा। छोटे छोटे बल्ब के पर पैके रखते हैं और उन्होंने पा दिए।